Assalamu alaikum. I would like to congratulate the National Security Division and particularly Dr. Mohit Yusuf for organizing this Islamabad Security Dialogue, the second edition this year, and the theme of comprehensive security, reimagining international cooperation. I have made arrangements for simultaneous translation, and I hope the equipment is there, so it's far easier for me to be able to speak in my own mother tongue and communicate my ideas to you. तो जनाब अली, मैं इस चीज़ को नहीं, फहीम सरदार साहब आपने भी बड़ी अच्छी तरह से बयान फरमाया कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी कंपस क्या होना चाहिए और उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्कशन हर एक के जहन में काफ़ी पुराना है, मगर उसके साथ साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान एक भंवर में फंसा है, और उस भंवर के अंदर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, कहाँ से हम अपने आप को सिक्योर करें, किस चीज़ को थामें कि हमारी सिक्योरिटी बेहतर हो जाए। और इसको फिज़िकल अंदाज से मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, तो मैंने हज उस ज़माने में किया जिस ज़माने में बड़ा रश होता था और मैनेजमेंट ज़रा सी इतनी बेहतर नहीं थी, क्राउड मैनेजमेंट, जिसमें हर साल कुछ लोग मॉब में फंस कर रमी के दौरान कुछ लोग शहीद हो जाया करते थे। तो जब मैं गया तो मैंने अपने साथ कुछ मेरे बच्चे भी थे, और मैंने सबको ये कहा कि देखो, जिस तरफ लोग मूव कर रहे हो तुम रेजिस्ट नहीं करना, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि गिर जाओगे, रौंदे जाओगे। कोई चीज़ तुम्हारी गिर जाए, चप्पल रह जाए, तो उठाना मत, क्योंकि उठाने के चक्कर में तुम पिस जाओगे, मारे जाओगे। तो ये मैंने आपके सामने इस वजह से रखा कि ये पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ ये कैफियत इस वक्त भी और पहले भी हमेशा रही, और पाकिस्तान को भुट्टो साहब ने किताब लिखी थी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे ख्याल से 60s में लिखी थी, और मैंने शायद 65 या 66 में वो पढ़ी भी थी। मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अंदर, दुनिया के अंदर क्या कैफियत है, यानी अगर मैं सिक्योर हो जाऊँ तो दूसरे क्या इनसिक्योर हो जाएंगे, और अगर मैं जितना सिक्योर हूँ दूसरे मुझसे ज़्यादा सिक्योर होना चाहेंगे, ये कोई टसल भी है क्या? क्योंकि मैं तो ये समझता था कि इंसानियत के एतबार से जो टसल्स हैं और जो अहमियत है थी सारी जमहूरियतों के अंदर और सारे माशरतों के अंदर, वो है कि गुर्बत से निकाला जाए दुनिया को, और इंडिकेटर्स आर गुड। मैं ये कहूँ यहाँ बैठ कर के जिन्हें गुर्बत के अंदर ज़्यादा लोग चले गए, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, तो गुर्बत से भी लोग निकल रहे हैं दुनिया में। तालीम के एतबार से जितने मेजरमेंट गेजेस हैं उससे तालीम भी दुनिया की बेहतर हो रही है, सेहत भी बेहतर है, पहले के मुकाबले में बेहतर है, और बड़ा इसके अंदर फोकस भी है। जो इनक्विटीज़ हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, इनक्विटीज़ के मुतालिक सोचते रहेंगे, मगर इनक्विटीज़ के बावजूद सेहत भी बेहतर है और मईशत भी दुनिया की, जो वर्ल्ड ग्रोस प्रोडक्ट है या पर कैपिटा प्रोडक्शन है, वो भी बेहतर है। तो फिर हो क्या रहा है? अच्छा, यही परेशानी मेरी काफ़ी अरसे से है, और मंतिक जो मुझे समझ आती थी वो, जैसे मोहित ने बड़ा अच्छा कहा कि आप अपने एतबार से सब कुछ सोच लेते हैं और दूसरों को लेक्चर ही देते हैं, दूसरों से सुनते नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं दूसरों को सुनूं, और ये जो मैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू रख रहा हूँ, ये अपनी ज़ाती जो कोशिश है वो भी वही आपके सामने रख भी रहा हूँ। तो मैं 2013-14 के अंदर मोहित ने मुझे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दावत भी दी, और वहाँ पर मैंने ये मुद्दा रखा, जिसमें रॉबिन राफेल भी थी और कोई आपने एक वो प्रोग्राम अरेंज किया था, तो वहाँ पर मैंने ये मुद्दा रखा कि मैं इस बात से भी परेशान हूँ कि कौमें सीखती भी हैं या नहीं सीखती। मैं 70s में जब US में था तो मुझे लगता ये था कि किसी वियतनाम वॉर से भी इस मुल्क ने सीखा, और बेहतरीन थिंक टैंक्स हैं जितनी इनके सारी के साथ अमेरिका में या US में उस ज़माने में, और आज भी वही कैफियत है
कि जितनी इंकसारी के साथ लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं ये समझता था कि ये जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने बाद में कहा कि सारा एंड ऑफ हिस्ट्री है, तो मैं भी ये समझता था कि मंजिलें अब हासिल हो जाएंगी जब इतना इंसान सोचेगा कंपैशन के साथ। मगर कन्फ्यूजन मेरे जहन में ये था कि एक से निकले, एक जनरेशन ने सीखा, दूसरी जनरेशन ने वापस उसी चीज़ को अख्तियार कर लिया। तो लिहाजा मैं तो बेइंतहा परेशान हूँ इस बात से कि करे क्या, यानी पाकिस्तान क्या। मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए भी कन्फ्यूजन है कि इंसानियत करे क्या। तो मैंने फिर मज़ीद सोचा कि तारीख दुनिया की क्या कहती है, तारीख से शायद सीख लें। क्योंकि अगर टोटली रैशनल इंसान है तो रैशनल डिसीशन मेकिंग कम से कम उन ममालिक में हो जहाँ रैशनैलिटी उरूज पर है। इससे ज़्यादा उरूज पर रैशनैलिटी दुनिया की तारीख में कभी नहीं रही इन ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और एनलाइटेंड इंसान। तो मैंने कहा रैशनैलिटी के वहाँ से पत्ता पकड़ा जाए कि दुनिया की रीसेंट तारीख क्या है, और उस रैशनैलिटी जो मुझे नज़र आ रही है क्या वो हकीकत है। और फिर जब मैंने देखना शुरू किया तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इंसान का कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। ये मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आपने ज़िक्र किया सिर्फ पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि या तो मैं उन पेड़ों के ऊपर तवज्जो दे लूँ जो मेरे पाकिस्तान के अंदर हैं, ये पूरी फॉरेस्ट के ऊपर एक नज़र डालूं कि हो क्या रहा है, ज़रा सा ऊपर से देखने की कोशिश करूं कि अगर आग आ रही है तो आग से बचाव का इम्कान है या नहीं है, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगेगी ही, कोई कुछ कर नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। तो इंसान की तारीख के अंदर जो चीज़ मुझे भरी हुई नज़र आई वो जंगें नज़र आई, क़िताल नज़र आया, और कोई नया नहीं। मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़े से नोट्स इसलिए लिख लिए थे कि आपके सामने एक खुलासे के तौर पर बयान फरमा सकूँ। तो मुझे मंगोल कॉन्क्वेस्ट से शुरू करें कि 1206 से लेकर 1350 तक तकरीबन 3 करोड़ इंसान मारे गए मंगोलों के ज़माने में। फिर यूरोप की तारीख देखें आप, आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो अफ्रीका में हुआ, जो नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियंस के साथ हुआ, जो साउथ अमेरिका में इंकास के साथ हुआ, उसको छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि 100 ईयर की जंग हुई यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, वो 130 साल की थी, 1372 से लेकर शायद 1450 तक हुई, मगर वो कहलाई 100 साल की जंग। उसके बाद 30 साल की जंग हुई, वो पहली जंग जो थी वो तो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान ज़्यादा, दूसरी जंग रिलीजियस कॉन्टेशन थे, तो 30 ईयर्स वॉर थी। तो जब ये ख़त्म हुई 1648 के अंदर, तो एक वेस्टफेलियन ट्रीटी के अंदर ये तय पाया कि नेशन स्टेट्स, मुमकिन है अमन का रास्ता ये हो कि नेशन स्टेट्स के ऊपर तवज्जो दी जाए, उनके उसूल ले डाउन कर लिए जाएं, और जंग करने का ये मामला कि जी हथियार, तो हथियार सिविलियन हाथों से निकाल कर नेशन स्टेट वॉज दी ओनली पावर जो हथियार वील्ड कर सके। तो जनाब उसके बावजूद, मतलब ये दैट वाज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स नेशन स्टेट्स, उसके बावजूद जनाब फिर आगे बढ़ें तो पहली जंग अजीम के अंदर, एस्टिमेट्स ही बता रहा हूँ आपको, कोई हिसाब नहीं है, और ख़ास तौर पर इस ज़माने की जंगों का तो और भी हिसाब नहीं है। सिर्फ जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं वो अपनी गिनती रख लेती हैं, बाकियों की गिनती की अहमियत भी नहीं होती। अच्छा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल डायलॉग के अंदर और कोऑपरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें अहम होंगी कि सिरा पकड़ें कहाँ से। तो लिहाजा पहली जंग अजीम के अंदर जनाब तकरीबन 3 करोड़ अफराद मारे गए, हलाक हुए यूरोप में ज़्यादा। दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 9 करोड़ लोग हलाक हुए। फिर इस ज़माने में शाम, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया वगैरह के अंदर तो कोई हिसाब नहीं है, मगर मैं मुमकिन है करोड़ों के अंदर हो, लाखों के अंदर हो, मैं कह नहीं सकता। दूसरी जंग अजीम के बाद जब इंटरनेशनल, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना, तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस जन्म पाता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और फिर 4 बुनियादी इदारे उसके साथ
उस ऑर्डर को इस्टेब्लिश करते हैं, एक अक्वामे मुत्तहदा बजाते खुद, दूसरा IMF, तीसरा वर्ल्ड बैंक और चौथा WTO, और उसके साथ साथ फिर जो पोलराइजेशन हुआ उसमें नेटो। तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम था उसके ऊपर मजीद काम कर रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के अंदर चार चीज़ें अहमियत रखती हैं। चार चीज़ों का मूवमेंट जो है वो सिक्योरिटी की बुनियाद बनता है कि आया इसका मूवमेंट, इसकी हम इजाज़त दें या ना दें। तो लिहाजा मुस्तकबिल के अंदर भी अगर पाकिस्तान की गुंजाइश बनती है, किस लेवल पर बनती है और दूसरे ममालिक की गुंजाइश बनती है, तो किन चार चीज़ों का फ्लो जो पाकिस्तान ख़ुद भी अपने सिक्योरिटी के एतबार से, जियो इकानमी के हवाले से गुफ्तगू करता है, वो फ़्लो नंबर एक सरमाए का फ़्लो, जितना आसान होगा ममालिक के दरमियान इतना कोऑपरेशन होगा। दूसरे गुड्स का फ़्लो, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टैरिफ्स के अतबार से जो गुड्स का फ़्लो बेहतर किया गया और ग्लोबलाइजेशन को इनक्रेज किया गया, ताकि शायद गुड्स का फ़्लो और मीशत इंटरलिंक हो जाए तो अमन का इम्कान बढ़ जाएगा। दैट्स वन ऑफ द प्रेमिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम भी रीजन के अंदर भी हम ये महसूस करते हैं कि इंटर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी तो शायद ये बेहतर हो जाए। तीसरे लोगों का फ़्लो, दुनिया अभी तक इसके ऊपर आ नहीं सकी है सवाए इसके कि एक क्लास के पढ़े लिखे या वट एवर उनका फ़्लो आसान कर दिया जाए, कुछ ममालिक का फ़्लो आसान कर दिया जाए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सबका फ़्लो आसान नहीं, बल्कि एक बड़ी हिपोक्रेसी हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर जो रेफ्यूजीज़ हैं वो बहरिया रूम के अंदर डूबते भी हैं, और हम तो हर रेफ्यूजी को, ऑल रेफ्यूजीज़ हम तो कंसिडर करते हैं इक्वल, चाहे अफगानिस्तान को हो जिनको हमने पनाह दी 40 साल तक हमने पनाह दी, या ये जो लोग मेडिटेरेनियन में हैं, या जो जो यूक्रेन में हैं। रेफ्यूजीज़ एक ही किस्म के होते हैं, मिजरी में होते हैं, परेशान होते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड औरत होती है, बच्चे होते हैं। तो लिहाजा वो कंपैशन इंसानियत का हमें बराबर नज़र नहीं आता, और यही एक चैलेंज है जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर छोटे ममालिक का है। मगर छोटे ममालिक जैसे जैसे अहमियत अख्तियार करेंगे और मईशत में तगड़े होंगे शायद उनकी बात सुनी जाए, मगर उसके साथ साथ फिर मुझे चैलेंज ये है कि वो ममालिक भी जो मईशत के एतबार से मजबूत हैं उनकी बात भी दूसरे ममालिक सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ और भी है, यानी मैं ये समझता हूँ कि फिर ग्लोबल ऑर्डर के अंदर फिर क्या है, इट्स अ डेंस कम्युनिकेशन, वेरी डेंस, वेरी थरो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ट्रीटीज, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, बेस्ड ऑन सिग्नेचर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो इसको सीमेंट करता है, जो भी रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर आज कहलाता है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों के हवाले से कि अब क्या कैफियत पैदा हो रही, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान के एतबार से भी सोचना पड़ेगा कि फिर इंसान के अंदर ये कन्फ्यूजन क्यों है। तो मैं जब सोचता हूँ कि एक है रैशनैलिटी, और बड़ा आसान है, शायद प्लेटो ने भी कहा था कि फिलासफ़र किंग की ज़रूरत है जो सारी चीज़ें समझे सारी चीज़ें, तो लिहाजा शायद मामला बेहतर हो जाए। वो कैफियत तो कभी आई नहीं, और जो फिलासफ़र किंग जिसके हाथ में ताकत आई उसने भी इंसानों की तरह ही रिएक्ट किया, उसने फ़लसफ़ा छोड़ दिया और जज्बात पर ही आ गया, तो कोई उसके अंदर भी कोई ट्रेडिशनल कैफियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारी रैशनैलिटी के अंदर एक मिक्सचर अब आप डालिए ह्यूमन नेचर का। अच्छा, लिहाजा मैं अब इस नतीजे पहुँचा हूँ कि सारी रैशनैलिटी, सारे आर्गुमेंट, सारे कागज़, इनकी अहमियत कम हो जाती है फौरन, डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस चीज़ को किस अंदाज से लीड कर रहा है। इस कागज़ के अंदर कंटिन्यूटी मुझे कमज़ोर नज़र आई, ख़ास तौर पर जब क्राइसिस आ जाए। जब क्राइसिस ना हो तो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर वॉज वर्किंग फाइन, मगर जैसे ही चैलेंज होने लगा ना तो वैसे ही उसके अंदर फिर क्राइसिस आया। तो इंसान की नेचर क्या है, इंसान की नेचर मोहब्बत है, नफ़रत है, उसको एक दूसरे से फोबिया है,
और वो फोबिया इंसान का आपस में अपने रिश्तेदारों में भी है कि ये क्या करेगा, जायदाद के पीछे तो नहीं है। अगर इसने आज मिलना हमसे अच्छा शुरू कर दिया तो इसकी इंटेंट मुस्तकबिल में क्या है। यही कम्युनिटीज़ में है, यही ट्राइब्स में है और यही कौमों में है। तो एक सबसे बड़ा सबसे फिर और क्या इंसानी नेचर के अंदर और क्या है, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर फोबिया भी है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज़ वेरी स्ट्रांग के व्हेन टू बाइट टू मेक श्योर दैट आई लिव। अच्छा, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर आप सारी कोल्ड वॉर के अंदर देखें, इसके ऊपर भी इंसानी रैशनलिज्म से मुझे बेइंतहा अफसोस है। और वो क्यों अफसोस है कि आप ये देखिए कि एक डॉक्ट्रिन है जो लोगों ने, थिंक टैंक्स ने, आप जैसे और हम जैसे अकलमंद या कम अकल लोगों ने दुनिया को बेच दी, वो है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन। दीज आर द स्मार्ट पीपल हु हैव सजेस्टेड दिस, द स्मार्टेस्ट पीपल इन द स्मार्टेस्ट कंट्रीज। एंड ह्यूमैनिटी को कितनी कॉस्ट पड़ी उसकी, यू कैन इमेजिन। वॉज इट, इज इट वर्थ इट के कोई मुझे एक मरतबा मेरे मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दे तो मेरे पास दूसरी सर्वाइवल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं रिटेलिएट करूँ, उसका 80% डिस्ट्रॉय कर दूँ तो उसने सोचा कि मेरे पास तीसरी सर्वाइवल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं फिर आकर मार दूँ, फिर इसने सोचा कि नहीं, अप टू द सिक्स लेवल ऑफ अश्योरिंग म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये भी हमारी रैशनल थिंकिंग से निकला है, कोई इरेशनल ग्रुप नहीं है, जो कोई एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं है। तो लिहाजा फिर मैं और कन्विंस्ड हूँ कि इसके अंदर ह्यूमन नेचर का एलिमेंट जो है वो फिलहाल इग्नोर हो रहा है सारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। फिर ग्रीड है, एक लालच है जिसके अंदर मुझे अपने रिसोर्सेज को इंश्योर करना है कि एट ऑल कॉस्ट दूसरे को मैं एक्सप्लॉयट करूँ। इवन टुडे इन द वर्ल्ड, पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए ना कि ऑयल की बुनियाद पर ये होता था और ईरान के अंदर ये हुआ और फलानी जगह पर ये हुआ, आज इट कंटिन्यूज़ कि मैं अपने दूसरों के रिसोर्सेज को भी अपने अपनी सिक्योरिटी की खातिर इंश्योर करूँ कि मेरे रिसोर्सेज का फ्लो जो है वो एट वॉट एवर कॉस्ट अगेन, यानी कॉस्ट के साथ आप उसको बैलेंस करें ना, तो वो भी है। फिर पावर है, पावर इंसान के साथ क्या करता है। एंड आई हैव नॉट सीन एनी रिस्पॉन्सिबल, यानी आप छोटे छोटे इंसिडेंट्स देख लिए, माइलाई देख लें, अगर आप ग्वांतानामो बे देख लें, अगर आप रेंडिशंस अगर आप देख लें, आप अलगोरैब देख लें, जहाँ भी पढ़े लिखे, यानी उम्मीद ये थी इंसान को कि शायद पढ़े लिखे लोग जो हैं जब उनके हाथ में ताकत आएगी तो वो इंसाफ करेंगे, मुझे उससे भी डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, अगर आप मोरालिटी की बात करें तो इंसान की कैफियत यह है कि जो चीज़ वो छुप कर कर सकता है, जिसका लोगों को पता ना चले, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो उस वक्त रेजिस्ट कर जाए। अगर चर्च का आप हाल देखें या मदारिस का आप हाल देखें जहाँ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का हुआ, तो तारीख भरी हुई है इस चीज़ से, यानी जहाँ पर मोरालिटी शुड हैव रेन्ड। तो लिहाजा जहाँ भी इंसान छुप कर कोई काम कर सकता है या लोगों के फोकस से हट कर बैकग्राउंड में कर सकता है या छुपा ले उस बात को कि उसने क्या हरकत की, या साजिशें करे या असैसिनेशंस करे या बग़ैर ट्रायल के कुछ करे, तो दुनिया के अंदर ये भी जितने रैशनल कौमें हैं उन्होंने इन चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लिया। तो आप ये बताइए कि इंसान को सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। मैं आई एम प्रोबिंग योर माइंड्स कि देयर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग। अच्छा, मैं फिर ये समझता हूँ कि इस वक्त एक और यलगार है, जो यूनाइटेड नेशंस बनी तो उसने, आज मुझे ख्याल ये भी होता है कि शायद यूनाइटेड नेशंस और उसके इदारे जो ग्लोबल ऑर्डर बना वो यूरोपियन वॉर को रोकने के लिए बना, कि यूरोप के अंदर जंग ना हो। यूरोप की तारीख जंगों की भरी पड़ी थी और ये तारीख वो थी जो लोगों ने एक दूसरे के साथ देखा, जो अफ्रीका में होता रहा, जो हिंदुस्तान में होता रहा, उसकी खबर भी नहीं पहुंची। मगर सबसे तरक्की याफ्ता खित्ता दुनिया का यूरोप था, रेनेसांस हो चुका था, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग हो चुकी थी। तो यूरोप ने फिर ये सोचा, मेरा ख्याल है आज देखते हुए ख्याल आता है, कि सिर्फ यूरोप के अंदर जंग ना हो, बाकी जो मर्जी आए तुम करते रहो,
अगर साउथ अमेरिका में कुछ हरकतें हैं वो करते रहो, अगर फार ईस्ट के अंदर कुछ हैं, वियतनाम, फिलीपाइंस, कोरिया, कंबोडिया, लाओस, जो कुछ भी है वो सब कुछ करते रहो। नो, नॉट इन यूरोप, डोंट फाइट इन यूरोप, वो दैट हैज़ बीन टेस्टेड टुडे। तो अब जो एक नया यलगार है, तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि वो हथियार की बुनियाद पर नेशन स्टेट्स के हवाले से और यूनाइटेड नेशंस के हवाले से नया ग्लोबल ऑर्डर आया कि हथियार में ताकत है। इस वक्त ये जो ये फॉसिलाइज हो गई कैफियत यूं, क्योंकि ताकत हथियार से निकल कर अब साइबर वर्ल्ड के अंदर भी चली गई और नेशन स्टेट से निकल कर कॉरपोरेट वर्ल्ड की स्ट्रेंथ्स पर भी चली गई, जिनके रिसोर्सेज और जिनकी ताकतें और जिनकी लॉबीज, अनइलेक्टेड कॉरपोरेशंस की लॉबीज का असर इस वक्त दुनिया की पॉलिसीज पर भी होने लगा है। अच्छा, तो नया ऑर्डर जो दुनिया मांग रही होगी उसके अंदर इस वक्त ये चीज़ बड़ी मिसिंग है और सबको कन्फ्यूजन है कि हाउ टू हैंडल दिस। ये यलगार घरों तक पहुंच गया तो नेशन स्टेट क्या सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, है ना? या इट गोज बियॉन्ड द नेशन स्टेट टुडे। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है वो एक नई कैफियत है। इन फैक्ट द मोस्ट समबडी हैज रिटन इज थॉमस पिकेटी इन कैपिटल एंड आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी, कि इनइक्विटी भी एक अजीब शय है। यानी इसमें इनइक्विटी की इंसानी फितरत के साथ, बिकॉज मैं इन चीज़ों को लिंक करना चाहता हूँ इंसानी फितरत के साथ, कि जब आप इंसानी फितरत को इग्नोर करेंगे तो कोई लिखा हुआ इंटरनेशनल ऑर्डर विल ऑलवेज ब्रेक। अच्छा, और कोई मोरालिटी भी आप डिक्टेट नहीं कर सकते, किसकी मोरालिटी डिक्टेट करेंगे? मगर फिर भी होप है कि कहीं कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड हो जाएं। कोई इंटरनेशनल लॉ कैसा इंटरनेशनल लॉ है कि मेरे मुल्क के सिटीजन्स के लिए वो है, आपके मुल्क के सिटीजन्स के लिए वो नहीं है? अगर इस बात का इम्कान है कि मेरा मुल्क का कानून आपके लोगों पर लग जाए तो दूर रखो, रेफ्यूजीज को आने मत दो, कि मेरे मुल्क का कानून लग जाएगा भाई उस पर। तो एक एनोमली जो है वो इंसान की डिफरेंट वैल्यूज पर इंसान ने खुद सोच लिया, रियासतों ने सोच लिया कि इंसान की अलग वैल्यू है, मेरे इंसानों की अलग वैल्यू है। मेरे इंसानों की अगर पैनम का जहाज़ गिराया गया तो वो 3 मिलियन या 6 मिलियन डॉलर्स मेरे इंसानों की वैल्यू है, मगर दूसरे इंसानों की वैल्यू नहीं है। तो ये इंसान का जो वैल्यू सिस्टम भी हमने डिसाइड कर दिया कि अलग अलग है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के एतबार से। तो नो, ग्लोबल इनइक्वालिटी की एक अजीब शय ये है कि इंसान ये नहीं देखता कि मेरे पास सब कुछ है खाने पीने को और फलाने आदमी के पास अरबों खरबों रुपए हैं। वो ये देखता है कि इनइक्वालिटी से वो स्ट्रेस में आता है, तजाद से, यानी जो फ्रॉम 1:20 इन द 70s and 80s द इनइक्विटी इन वेल्थ बिटवीन द हाईएस्ट पेड पर्सन टू द लोएस्ट पेड पर्सन जनरली इट हैज़ गॉन टू 1:100s, है ना? तो ये एक स्ट्रेस की बुनियाद बनती है इनइक्वालिटी। अच्छा, इन चीज़ों को भी कोशिश दुनिया करती है कि इक्वल हो, मगर अब मैं सुनता ये हूँ और जो पढ़ता हूँ कि ये जो साइबर वर्ल्ड के अंदर जो आईटी के एतबार से रैग्स टू रिचेस वाली एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट आ गया, उसके अंदर ये इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो द फ्यूचर इज़ फर्दर अंडर स्ट्रेस एंड वॉट विल हैपन। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता हो जाता है कभी कभी, हेट स्पीच में और फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या फ़र्क रखें। अभी जो इस्लामोफोबिया पर जो नेगोशिएशंस हुई उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए, उसके अंदर यही कैफियत ज़्यादा डिस्कस हुई कि किन चीज़ों को रखा जाए, सारे मज़ाहिब को रखा जाए। मगर कहा यह गया कि जी, लोगों ने कहा कि जी सारे मज़ाहिब को रखें, यूरोप इंसिस्टेड ऑन दैट, इंडिया इंसिस्टेड ऑन दैट। तो देखा ये गया कि जी नहीं, ऐसा यूनाइटेड नेशंस की तारीख में हुआ है कि हॉलोकॉस्ट पर अलग अलग रेजोल्यूशंस भी पास हुए, लिहाजा इस्लामोफोबिया पर पास हो सकता है। मगर वहाँ पर भी हेट स्पीच कब हेट बनेगी, कब ये आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सारी चीज़ें और उसके उस वो निकाली गई ताकि एक कंसेंसस बन जाए। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, एक अजीब कन्फ्यूजन फर्दर है कि जिसके अंदर हेट फेक न्यूज़ is going to hit us very hard and we may have been able to make judgments based on our history, editorial
ट्रस्टेड न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल बायस पहचानते थे, झूठ नहीं आता था, अब फेक न्यूज़ के एतबार से। तो ये नए चैलेंजेस हैं टू द एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पर हथियार ही एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत थी कवानीन के ज़रिए से। अब और ज़माना भी ऐसा बदलता जाता है कि जनाब जंगों का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया कि जंग करने का अख्तियार है, ख़ास तौर पर ताकतवर कौमों को है, और जो जिनकी और जंग के उसूल ह्यूमेन वॉर पैदा कर ली जाए कि जिसके अंदर ज़्यादा जुल्म ना हो, मगर मुकम्मल अमन की बात ना की जाए। मैं पिछली मरतबा किसी इंस्टीट्यूट में बात कर रहा था तो आई टॉक्ड अबाउट टॉलस्टॉय कि उसने अमन के लिए प्योर अमन की कोशिश की, और उसके साथ साथ ये सारे कन्वेंशन जो आए हैं वो ह्यूमेन वॉर की बात करते हैं, और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बिकमिंग मोर ह्यूमेन इन द सेंस कि टारगेटेड पीपल लोग मारे जाते हैं, क्रूज बॉम्ब्स आर मोर ह्यूमेन देन द कारपेट बॉम्बिंग ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एल्सवेयर इज कंसिडर्ड मोर ह्यूमेन। तो वो रास्ते तलाश किए जा रहे हैं कि जंग जारी रखी जा सके और हम अपने इसको इस्तेमाल कर लें। अब डिजिटल यूटोपिया जो है इसके डिस्टोपिया होने का भी इम्कान है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि 2035 के अंदर इस बात का इम्कान होगा कि सुबह की खबरों के अंदर साइबर अटैक फोरकास्ट आया करे सबसे पहले कि भाई साइबर अटैक फोरकास्ट, अब ये है कि आज इस किस्म का हमला हुआ, कल ये हुआ, अब ये होना चाहिए। तो मैं आपके सामने इन सारी बातों के बाद एक बात ये करना चाहता हूँ कि अब जाएंगे हम किस तरफ, कि एक एनलाइटेंड यूटोपिया तो नज़र नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हटकर ज़रा सा ऊपर बात कर रहा था, अब ये वेस्टर्न यूएस बेस्ड वेस्टर्न बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर विच इंक्लूडेड वेस्टर्न मेंट जापान एसेट्रा एंड ऑल डेमोक्रेसीज इज बीइंग चैलेंज्ड बाय चाइनीज रशियन एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स टू ग्लोबल ऑर्डर। तो लिहाजा हम जाएंगे किस तरफ, तो मैं चंद डायरेक्शंस के एतबार से ये जो फ़िलहाल एंड आई कॉल इट टेस्टोस्टेरोन बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर फ़िलहाल, क्योंकि जिन जज्बात के साथ ये ग्लोबल ऑर्डर चलता है वो उसमें इंसानी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड एक्चुअली इट इज़ ट्रू इफ़ यू लुक एट इट, तो इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि ये ह्यूमन इमोशंस इस ऑर्डर को चला रहे हैं, मैं सिक्योर हो जाऊं, मैं बच जाऊं, ये बेसिक डीएनए इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी जिसके ऊपर बैठकर हम रैशनलाइज करना चाहते हैं। तो देयर इज अ वेरी गुड बुक ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस बाय एंड्रयू किड, उसने 2007 के अंदर इस बात को कहा कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट है। अच्छा, अब आप सारे न्यूक्लियर ट्रीटीज़ के अंदर भी देख लें कि ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए इंस्पेक्शन रिजीम्स बनाई गई, क्योंकि जब हमें फोबिया है कि आप पता नहीं क्या करेंगे, तो उस फोबिया की वजह से मैं भी अपने आप को सिक्योर करूँगा आपसे छुपा कर। आप जब आपको शुबा होगा कि मैंने ये कर लिया, तो आप फिर अपने फोबियाज के एतबार से ये करेंगे एंड इट डजंट एंड। तो लिहाजा ट्रस्ट के एतबार से इंटरनेशनल ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसीजर्स मे बी जेसी पुआ है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर भी ट्रस्ट के हवाले से जो डाउट्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन द बिगेस्ट फेक न्यूज़ अराउंड यू नो, उसके अंदर भी ट्रस्ट डेफिसिट था कि कहीं ना कहीं किसी अंदाज से ये देख लिया जाए कि व्हाट एग्जिस्ट व्हाट डजंट एग्जिस्ट, और वो जो स्पाइरल ऑफ फियर है उसको किसी अंदाज से कम किया जाए, बिकॉज एक्सीडेंट्स कैन हैपन वेरी क्लोज। आप ये देखिए कि 3 मिनट के अंदर मिसाइल आ गया इंडिया का, वेरी इररेस्पॉन्सिबल, इससे ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल कैफियत हो नहीं सकती। अच्छा, और जब ये वेपन्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम तो और लिमिट हो गया। 3 मिनट तो आज से 50 साल पहले तो 3 मिनट का कोई सोच भी नहीं सकता था, अब भी ICBMs का 20 मिनट का टाइम लिमिट है, ये टाइम है कि जिसके अंदर आदमी कुछ रिएक्ट करे। एक्सीडेंट्स कैन हैपन, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम कि कितने एक्सीडेंट्स के करीब हम न्यूक्लियर वॉर के रह चुके हैं और आ चुके हैं। और इस वक्त अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल होता तो ये 3 मिनट भी नहीं लगते, दिस कैन बी अ सुपरसोनिक वन, मैक 2 पर होगा, हाइपरसोनिक जो ब्रह्मोस 6 हिंदुस्तान बना रहा है तो वो दैट इज़ 5 मैक, तो वो 1-1.5 मिनट के अंदर आ जाता। अच्छा, अब आप 1.5 मिनट में क्या रिएक्शन कर सकते हैं एक्सेप्ट कि यू फायर योर बटन समवेयर।
अच्छा, और एक अजीब हिपोक्रेसी है दुनिया के अंदर यार, यूरेनियम के अंदर जितना हिंदुस्तान के अंदर 5-6 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, आप इमेजिन करें हिपोक्रेसी। यही मैं चाहता हूँ, समझता हूँ कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जो मेरी ख्वाहिश है कि कोई मोरालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आए, ह्यूमैनिटी बेस्ड आए, रिलीजियस मोरालिटी ज़रूरी नहीं है, ह्यूमैनिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आए। मगर आप ये देखिए कि अगर ये मिसाइल वहाँ पाकिस्तान से इंडिया चला जाता तो द वर्ल्ड रिएक्शन वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर यूरेनियम, जिस तरह से 5-6 इंसिडेंट्स इंडिया में हो चुके हैं यूरेनियम बेचने के, अगर इसमें एक भी पाकिस्तान में हो जाता तो द वर्ल्ड रिएक्शन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये हिपोक्रेसी जो है, ये भी हमें, ये ऐसी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिपोक्रेसी सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक की है, हमारी भी हिपोक्रेसी है। मोइन इज़ वेरी राइट कि हम अपने आप को भी देखकर हम एक उस अंदाज से चलें जिसके अंदर हम अपनी हिपोक्रेसी भी ख़त्म करें। मगर हमें भी एक एंकर चाहिए, एंकर नॉट ऑफ थिंक टैंक्स, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर। थिंक टैंक्स वी कैन से के म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन, तो ह्यूमन थिंकिंग के हवाले से आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन थिंक टैंक्स। लिहाजा ये इसके साथ साथ अभी भी कुछ कैफियत जो इमरान खान साहब ने सुबह जिस बात का जिक्र किया, तो आई रिकॉल्ड वन बुक बाय केनेथ शुल्ट्स, डेमोक्रेसी एंड कोअर्सिव डिप्लोमेसी। उस किताब के अंदर ही सेज कि इट इज़ ईजियर फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू कोअर्स, टू यूज कोअर्सिव डिप्लोमेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो जो सोच है कौम की, वो कम से कम उसकी अक्कासी कोअर्सिव डिप्लोमेसी में हो तो कौम की सपोर्ट बाकी रहती है। तो वो जो मोहित साहब आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के मुतालिक एक ख़राब फहमी है दुनिया के अंदर, तो दैट अलाउज फॉर कोअर्सिव डिप्लोमेसी ऑल्सो टू हैपन। तो हमारी एक कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम जैसे हैं उसमें दुनिया को बताएं कि ये जो हमारे मुतालिक गुफ्तगू हुई है, ये ऐसा नहीं है जैसी हम समझते हैं। और आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी मशहूर किताब है सैमुअल हंटिंगटन की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि आपने रीइमेजिनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन कहा था, तो मुझे वो उस किताब का भी ख्याल आया, और मैं समझता हूँ कि उस किताब का फोकस ये था जिसके जो फ्रांसिस फुकुयामा के जवाब में, शायद फ्रांसिस फुकुयामा की जो किताब थी एंड ऑफ हिस्ट्री, दैट वाज 1996 एंड दिस वाज 1999 और समथिंग। तो इन्होंने, सैमुअल हंटिंगटन ने, हु फुकुयामा वाज ए स्टूडेंट आल्सो, तो सैमुअल हंटिंगटन ने जो बात की कि क्लैश ऑफ कल्चर्स है, और उसके कल्चर्स का क्लैश और सिविलाइजेशन का क्लैश होगा। अब ज़माना शायद उससे भी हट गया, तो लिहाजा दो चीज़ें, दो उसी हवाले से खातमी साहब ने एक डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस के एतबार से भी गुफ्तगू की, विच बिकेम पॉपुलर फॉर सम टाइम, और तैयब अर्दोगान साहब ने अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस पर भी फोकस किया। तो हैविंग पुट ऑल माई कन्फ्यूजन्स बिफोर यू, आई स्टिल बिलीव कि एवरीबडी हु इज़ लुकिंग एट द वर्ल्ड एट लार्ज हैज़ टू इन्वॉल्व द ह्यूमन फैक्टर इन इट। उसके बगैर कोई काम नहीं होगा। मोदी साहब की जो साइकी है वो इंडिया की साइकी चेंज कर देंगे, है ना। सिर्फ यही नहीं कि उनकी साइकी, वो इंडिया की साइकी चेंज कर देंगे। एक पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म का भी एक यलगार सा है जिसके अंदर एक्सट्रीमाइज कर लिया जाता है। और मैं जब कराची में था तो महाजरों को ये कहा जाता था, योर बैक्स आर टू द वॉल। अच्छा, लिहाजा महाजर बड़ा इनसिक्योर महसूस करता था कि यार, उर्दू स्पीकिंग, कि भाई बैक्स टू द वॉल है, इसका मतलब ये तो आखिरी जंग है, तो निकल आओ, जो कुछ करना है, ये इजाज़त दे दो जुल्म और सितम को कि वो कम से कम हमें सिक्योर कर ले। तो इन द एंड, आई आफ्टर हैविंग सेड ऑल दिस, आई बिलीव द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर, अनटिल आई एम वेरी इनसिक्योर एज फार एज द व्हेन आई लुक एट फिलासफर्स, नोवल हरीरी या इवन स्टीफन हॉकिंग, इन सब लोगों ने जो इन ह्यूमन डीएनए के एतबार से जो इसकी सोच और ट्रिगर पर बटन के हवाले से जो गुफ्तगू की है, तो ये कि ये ह्यूमन काइंड इस तरह से ज़िंदा नहीं रहेगी, ये मुझे फियर ज़रूर है। लिहाजा मैं इस हवाले से समझता हूँ कि द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर डेस्परेटली
ह्यूमैनिटी और मोरालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट दिस इज़ सो डियर टू मी। थैंक यू।